दोस्तों आपका स्वागत है इंडियन इंडस्ट्री ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल पाए। तो दोस्तों यहाँ पर जो वैकेंसी है आईटीआई वालों के लिए जो अप्रेंटिस करने में इंटरेस्टेड रखते हैं, दोस्तों यहाँ टाटा स्टील का कैंपस होने वाला है जो दो दिन होने वाला है, 17 और 23 तारीख को अलग अलग आईटीआई कॉलेजों में होगा जहाँ पर आईटी कॉलेज दिए हुए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक दो बता देता हूँ, जैसे आईटी भुवनेश्वर और आईटी जयपुर, यहाँ पर जो कैंपस होने वाला है वो 17 तारीख का होगा दोस्तों। ऐसे ही नेक्स्ट आईटी लक्ष्मीपुर और बहुत सारे आईटी हैं जहाँ पर 23 का होने वाला है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट बात करें तो ये 19 तारीख का होने वाला है जो सैटरडे का ऑफिसर सीनियर ऑफिसर एग्जीक्यूटिव जहाँ पर BIC मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल 3 से 7 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है। ऑपरेटर टेक्नीशियंस जहाँ पे आपको IT मांगा हुआ है फिटर इंस्ट्रूमेंट्स से, तो यहाँ 2 से 10 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है। अगर आप इंटरेस्टेड तो 19 तारीख को दियो एड्रेस पर ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणों दियो मेल आई डी मेल कर लें दोस्तों। नेक्स्ट बात करें तो दोस्तों यहाँ पे BE और डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल 3 से 6 ईयर एक्सपीरियंस के लिए क्वालिफिकेशन के लिए है जो मेंटेनेंस में है। BE और डिप्लोमा मैकेनिकल जो 3 से 6 ईयर एक्सपीरियंस रखते हैं उनके लिए है, जो BE डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन 3 से 6 ईयर एक्सपीरियंस उनके लिए भी है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे क्वालिफिकेशन में एम फार्मा, बी फार्मा, BSc, MSc और कोई भी इंजीनियरिंग है आपके पास 3 से 6 ईयर एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे सेम दिया हुआ है, तो दोस्तों आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। DPO मैन्युफैक्चरिंग अगर आपके पास क्वालिफिकेशन में एम फार्मा, बी फार्मा, BSc, MSc या कोई इंजीनियरिंग डिग्री है तो 3 से 6 ईयर एक्सपीरियंस तो अप्लाई कर सकते हैं। QA के लिए जहाँ पर एम फार्मा, बी फार्मा, BSc सेम है दोस्तों। एक नेक्स्ट है दोस्तों IPQA के लिए जहाँ पर क्वालिफिकेशन वही है 3 से 6 ईयर एक्सपीरियंस। अगर IT में इंजीनियरिंग है आपके पास 3 से 6 ईयर एक्सपीरियंस है तो दोस्तों आप इसे दी हुई देखो यहाँ पर पूरा एड्रेस दिया हुआ है जो आपका 19 तारीख होने वाला है वॉकिंग इंटरव्यू, तो ये आपका बेंगलुरु में होने वाला है दोस्तों। यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए नीचे दिए हुए हैं दोस्तों। आगे चलते हैं यहाँ वॉकिंग इंटरव्यू है दोस्तों। यहाँ BSc और BCom BA वालों के लिए 1.56 लाख का पैकेज है जहाँ पर 20 से 27 साल एक्सपीरियंस वाले बढ़ सकते हैं। तो प्रोडक्शन जो इंटरमीडिएट ITI इलेक्ट्रिकल प्लम्बर के लिए 1.08 लाख का पैकेज है, 20 से 27 ईयर एक्सपीरियंस रखते हैं, जो कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर ले सकते हैं। 21 तारीख को इसे ज्वाइन कर सकते हैं वॉकिंग इंटरव्यू है। तो दोस्तों नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर दोस्तों वॉकिंग इंटरव्यू 18 तारीख का होने वाला है, जो BSc 60% के साथ पास हैं तो वो लोग यहाँ 18 तारीख को दियो एड्रेस पर आप अटेंड कर सकते हैं दोस्तों। 9 बजे से पहले यहाँ आप पहुँच जाएँ दोस्तों, यहाँ पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट है सिप्ला के लिए। यहाँ पे जो दोस्तों आपको बात करें तो यहाँ पे जो ऊपर दिया है 2 से 6 ईयर एक्सपीरियंस है आपके पास प्रोडक्शन का, तो दोस्तों यहाँ 20 तारीख को है इसका वॉकिंग इंटरव्यू। तो अगर आपके पास है एक्सपीरियंस तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो यहाँ पर भी 2 से 6 ईयर एक्सपीरियंस है पैकिंग प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और ऑफिसर ऑपरेटर्स के लिए जो आप अप्लाई क्यू के लिए वैकेंसी है QC के लिए है। अगर आप इंटरेस्ट हो दियो एड्रेस पर दोस्तों आप इसे ज्वाइन कर सकते हो जो 20 तारीख का है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे आपके पास 3 से 5 ईयर एक्सपीरियंस है तो गुड़गांव में आप इसे दोस्तों आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। और आप पहले CV अप्लाई करें, मेल आईडी यहाँ दी हुई है ऑलरेडी, तो अलग अलग मैनेजर फर्स्ट तो आप यहाँ पर दिए हुए जैसे एक्सपीरियंसेस हैं अलग अलग लोकेशंस के लिए तो अप्लाई कर सकते हो।
दोस्तों नेक वॉकिंग वॉकिंग इंटरव्यू जो आपका होने वाला है 19 तारीख का, जहाँ पर क्वालिफिकेशन प्रोडक्शन है, बीएससी एमएससी बी फार्मा एम फार्मा मांगा हुआ, 1 से 4 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है, परचेज में भी है, जहाँ पर क्वालिफिकेशन में बीकॉम एमकॉम एमबीए बीएससी बी फार्मा मांगा हुआ, 2 से 6 ईयर एक्सपीरियंस मांगा, क्वालिटी के लिए भी है दोस्तों, जहाँ बीएससी एमएससी बी फार्मा मांगा है, जहाँ फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, मेल केवल, इंजीनियरिंग एचवीएसी के लिए वैकेंसी, जहाँ पर आईटी किए हुए हैं असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 1 से 3 ईयर एक्सपीरियंस रखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों एड्रेस दिया हुआ है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुआ, अगर आप नहीं जा पा रहे किसी कारणवश तो मेल आईडी पे दिए हुए मेल आईडी पे अपना ईमेल कर दें दोस्तों। नेक्स्ट बात करें तो रामदेव केमिकल प्राइवेट लिमिटेड में दोस्तों, यहाँ पर मैं पहले ही बता चुका हूँ, प्रोडक्शन केमिस्ट ऑफिसर, 3 से 4 ईयर एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन में बीएससी डिप्लोमा केमिकल मांगा है। नेक्स्ट सीनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मैनेजर, 5 से 6 ईयर एक्सपीरियंस, एमएससी बी केमिकल मांगा है, जो दियो मेल आईडी पे आप उसे 18 तारीख को ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट बात करें तो दोस्तों यहाँ पर फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस के लिए दोनों के लिए वैकेंसी है, अगर आप यहाँ पर अटेंड करना चाहते हो तो 18 से 25 ईयर का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है, जो मंडे का होने वाला है, दियो एड्रेस पे आप ज्वाइन भी कर सकते हो दोस्तों, यहाँ सेल्स के लिए। नेक्स्ट बात करें तो दोस्तों मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा इंजीनियरिंग करे हुए हैं, जिनका मैकेनिकल फील्ड है, फाइनेंस बैंकिंग सेक्टर है, वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, दियो मेल आईडी मेल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो दोस्तों साइट इंजीनियर के जो बी सिविल करे हुए हैं, 6 से 8 ईयर एक्सपीरियंस है, वो 16-17 तारीख को इसे ज्वाइन कर सकते दोस्तों, यहाँ एड्रेस दिया कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ। तो ये माल पानी ग्रुप है दोस्तों, तो आप अगर यहाँ ऑपरेटर्स अकाउंटेंट इलेक्ट्रिशियंस हैं काउंटर एग्जीक्यूटिव्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन में आईटी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल बीकॉम और एमकॉम और आईटी इलेक्ट्रिकल और बीकॉम एनी ग्रेजुएशन होटल मैनेजमेंट आपके पास और एक्सपीरियंस मांगा हुआ दोस्तों ऑलरेडी, अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो नीचे दियो मेल आईडी में मेल कर दें दोस्तों। ये जहाँ पर 25 से 40 मांगा हुआ है तो दोस्तों अच्छा ग्रुप है माल पानी, एक यूटीआई, तो यहाँ पर अगर अप्लाई करना चाहते हैं आईटी के लिए सिविल इलेक्ट्रिकल, तो यहाँ पर दोस्तों अच्छा मौका है, तो यहाँ पर विजिट कर लें, वेबसाइट दिया हुआ है इनका। ये वॉकिंग इंटरव्यू दोस्तों, यहाँ पर जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पर जो है असिस्टेंट एचआर असिस्टेंट ट्रेनिंग मैनेजमेंट के लिए वैकेंसी हैं, जहाँ पर दूसरा चीफ इंजीनियर शिफ्ट इंजीनियर इलेक्ट्रिशियन एसी मैकेनिक वगैरह के लिए वैकेंसी, मार्केटिंग के लिए अकाउंटेंट के लिए परचेज के लिए सिक्योरिटी के लिए हैं, तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर मेल आई डी भी दिया हुआ है, अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो 21 और 23 तारीख को इसे दियो एड्रेस पर ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो पावरलाइन इलेक्ट्रॉनिक्स में वैकेंसी और सेल्स मार्केटिंग, यहाँ पे 3 से 4 ईयर एक्सपीरियंस डिप्लोमा आईटी बीएससी मांगा हुआ है। नेक्स्ट सर्विस इंजीनियर सर्विस वायरमैन ट्रांसफार्मर वेल्डर अकाउंटेंट के लिए जो 16 से 21 तारीख वॉकिंग इंटरव्यू चलेंगे, जहाँ अगर जो अटेंड नहीं कर पा रहा है वो दियो मेल आई डी मेल कर ले दोस्तों। और नेक्स्ट बात करें तो दोस्तों यहाँ प्रोजेक्ट मैनेजर जहाँ बी इलेक्ट्रिकल मांगा है, साइट इंजीनियर जहाँ बी इलेक्ट्रिकल मांगा है, स्टोर कीपर जहाँ बी कोई भी ब्रांच से हो सकते हैं और कोई ब्रांच वाले भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, तो ये जो आपका दियो कॉन्टैक्ट नंबर पर दोस्तों कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है तो। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो यहाँ पर जो है वैकेंसी निकला हुआ है एमबीए और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए, अगर आप इंटरेस्ट 10 ईयर एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर दियो मेल आईडी मेल कर लें दोस्तों। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो यहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 60% के साथ पास करें और उनका एज नॉट 30 साल से ज़्यादा नहीं है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर एसोसिएट जहाँ ITNCA फिटर्स इलेक्ट्रिशियंस हैं 60% के साथ पास किए हैं, एज 30 साल से ज़्यादा नहीं है तो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो 60% के साथ पास किए हैं तो वो लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ दियो मेल आईडी में मेल कर लें, कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो यहाँ पर जो वैकेंसी है दोस्तों वो NIMSME के लिए वैकेंसी है, जो सीनियर कंसल्टेंट के लिए ट्रेनिंग ऑफ प्रोजेक्ट, सीनियर कंसल्टेंट फाइनेंस अकाउंट
मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर के लिए वैकेंसीज हैं। आप ऑफिशियली वेबसाइट पर यहाँ विजिट कर सकते हैं दोस्तों और इसकी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हो। 28/10 को पहले पहले अप्लाई वॉकिंग इंटू 28/10 का, तो आप 28/10 से पहले पहले यहाँ विजिट कर लें। नेक्स्ट बात करें सिंगापुर, नेक्स्ट बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जो मार्केटिंग सर्विस इंजीनियर के लिए वैकेंसी, जहाँ पर ग्रेजुएशन 2 से 3 ईयर एक्सपीरियंस, आईटी डिप्लोमा इंजीनियरिंग 2 से 3 ईयर एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, जो 17 और 18 तारीख का होने वाला है। एड्रेस दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। नेक्स्ट बात करें क्वालिटी के लिए है, जो बी डिप्लोमा करें सिविल से, अकाउंटेंट के जो बी कॉम किए 5 ईयर एक्सपीरियंस, ऑफिसर एग्जीक्यूटिव जहाँ 2 से 3 ईयर एक्सपीरियंस है, वो लोग यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर दोस्तों प्रोडक्शन मैनेजर, एचआर मैनेजर, अकाउंटेंट, सीनियर मैनेजर्स, सेल्स, परचेज, तो यहाँ पर दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मल्टी जैसे कि बीटेक, बी डिप्लोमा, एमबीए, एलएलबी, एमकॉम, बीकॉम, बीटेक, डिप्लोमा, ये सारी ग्रेजुएशन कोई भी है वो भी चलेगी दोस्तों। तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट बात करें तो दोस्तों यहाँ पर गुजरात इंडस्ट्रियल टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड में वैकेंसी है, जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पर जो मैनेजमेंट ग्रेजुएट और इंजीनियर्स के लिए, जिनको 2 साल से अप विद अप टू 2 ईयर एक्सपीरियंस है, तो दोस्तों यहाँ पर मेल आईडी दिया हुआ, कॉन्टैक्ट नंबर दिया, तो अपना सी मेल करते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट भी दिया हुआ है। यहाँ पर वॉकिंग इंटरव्यू दोस्तों, यहाँ पर जो है बी मैकेनिकल के लिए 2 पोजीशन है, जो इंजीनियरिंग जो एक्सपीरियंस 5 से 10 ईयर रखते हैं, 35 से 45 ईयर एज है, तो वो लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपका बैकग्राउंड ऑयल एंड गैस रिफाइनरी से होना चाहिए। तो यहाँ पर जो वॉकिंग इंटरव्यू वो 18/19 का होने वाला है, आपको पूरा एड्रेस भी दिया हुआ है, तो यहाँ कॉन्टैक्ट कर लें, जो नहीं पहुँच पा रहे मेल आई डी मेल कर लें। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो यहाँ पर दोस्तों टेक्निकल सेल्स वगैरह, जनरल मैनेजर्स, ऑपरेशन, प्रोडक्शन, परचेज, स्टोर, क्वालिटी और अकाउंट के लिए वैकेंसी है, जो इंटरेस्ट हो जी मेरा मेल आई डी पर मेल कर दें दोस्तों अपना सीवी। नेक्स्ट बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जो बैचलर डिप्लोमा मैकेनिकल बी कॉम बी ई और उसके इक्विवेलेंट बैचलर डिप्लोमा मैकेनिकल बी कॉम, तो आपको अगर इंटरेस्ट है देखो तो यहाँ पर जो है डिजाइन एंड डेवलपमेंट मैनेजर, परचेज मेंटेनेंस, सीएनसी शॉप मैनेजर, तो यहाँ पर अगर इंटरेस्ट है दोस्तों तो अपना दियो मेल आई डी अपना सीवी मेल कर दें। नेक्स्ट बात करें तो एचडीएफसीएल में वैकेंसी जो फैक्ट्री मैनेजर के लिए, तो फैक्ट्री मैनेजर के लिए एमएससी पीएचडी क्वालिफिकेशन, केमिकल इंजीनियर्स 15 ईयर एक्सपीरियंस रखते हैं, तो अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्यू मैनेजर के लिए, जहाँ पर पीएचडी एमएससी केमिस्ट्री विद 15 ईयर एक्सपीरियंस, तो अप्लाई कर सकते हैं, तो दियो कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों, मेल आई डी पर मेल कर सकते हैं अपना सीवी। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर कोई भी ग्रेजुएशन चलेगा, फ्रेशर्स भी कर सकते हैं, 5 साल तक के लिए भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर बिजनेस डेवलपमेंट आपका फील्ड डिपार्टमेंट है दोस्तों, जो आपको 11 से 7 बजे तक है दोस्तों, तो आप यहाँ पर ऑफिस खोलने का टाइम, तो दोस्तों आप यहाँ दियो मेल आई डी मेल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर कॉन्टैक्ट कर लें। यहाँ पर सीनियर अकाउंटेंट, स्टोर और आईटी और फील्ड जो सेल्स के लिए, वो 16, 18, 21 और 23 अक्टूबर का वॉकिंग इंटरव्यू है यहाँ, जो आप जो यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है और यहाँ पर एड्रेस भी दिया हुआ है, तो आप इस पर जाके ज्वाइन भी कर सकते हो। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो मैनेजर अकाउंटेंट, एचआर मैनेजर, स्टोर, सिक्योरिटी और गार्ड के लिए जो वैकेंसीज हैं, वो दियो मेल आई डी मेल कर दें, कॉन्टैक्ट नंबर कॉन्टैक्ट कर लें। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो वॉकिंग इंटरव्यू है, जो सेल्स एचआर टीम के लिए, सेल्स के लिए जो है क्वालिफिकेशन है दिए हुए, एमबीए वगैरह है, ग्रेजुएशन हैं और 10th पास भी के वालों के लिए भी 16 से 19 तक होने वाला है, जो लोग इंटरेस्ट है दियो मेल आई डी मेल कर लें और यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करें तो प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए वैकेंसी, जो लोग इंटरेस्ट हैं वो दियो मेल आई डी मेल कर दें दोस्तों। यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है बी बी टेक मांगा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रिकल से। तो नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो यहाँ पर वैकेंसी जो आपका अलग अलग देखो आईटी के लिए है, अकाउंटेंट के लिए है, तो आप अगर इंटरेस्ट दिए हुए
तो आप यहाँ पे 16, 17, 18, 19, 20 ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग नहीं पहुँच पा रहे कॉन्टैक्ट नंबर कॉन्टैक्ट कर लें। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो है वह बी और डिप्लोमा सिविल मैकेनिकल वालों के लिए वैकेंसी है। जो लोग इंटरेस्ट हैं दी मेल आई डी पर मेल कर दें, कॉन्टैक्ट नंबर कॉन्टैक्ट कर लें दोस्तों। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर बी डी सी आई एन एफ ओ प्राइवेट लिमिटेड, तो अगर आप यहाँ पर इंटरेस्ट देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि सैप और डेवलपमेंट कंसल्टेंट के लिए विंडो डेवलपमेंट, तो अलग अलग हैं। तो जो भी इंटरेस्ट हैं इसमें एक्सपीरियंस भी दिए हुए हैं सभी के, तो अगर इंटरेस्ट है दिए मिल आई डी मेल कर सकते हैं दोस्तों। और इसका वॉकिंग इंटरव्यू रखा गया है, तो इसे अटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों आपका कंसल्टेंसी रिक्रूटमेंट है दोस्तों। आप ऑफिशियली वेबसाइट पे भी जा सकते हो इसकी, तो यहाँ पर पूरा लिंक दिया हुआ है। ज़्यादा 25 अक्टूबर से पहले पहले आपको एप्लीकेशन सबमिट करना है, जो प्रोजेक्ट बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ के लिए वैकेंसीज हैं। अगर आप इंटरेस्ट तो ऑफिशियली वेबसाइट पर जाके इसे फिल कर सकते हैं दोस्तों। सेल्स के लिए है जो 16 से 19 तक होने वाला है, तो यहाँ पर दिया हुआ एड्रेस पर ज्वाइन कर सकते हैं कॉन्टैक्ट नंबर पर। ये भी सेल्स के लिए है, कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे वॉकिंग इंटरव्यू है, तो दिए मेल आई डी मेल कर दो, कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट दोस्तों। एस बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जहाँ पर देखिए अलग अलग मार्केटिंग अलग अलग फील्ड के लिए वैकेंसीज हैं। फाइनेंस के लिए अगर इंटरेस्ट है दिए मेल आई डी, तो आप उसे लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पर इसे फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर 16/11 से पहले पहले आपको पूरा फिल करना पड़ेगा, लास्ट डेट है 16/11 है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके लिए अगर इंटरेस्ट है आर्ट डायरेक्टर वगैरह के लिए, डिज़ाइनर्स के लिए, तो आप यहाँ पर अपना सी मेल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो दोस्तों यहाँ पर वैकेंसीज हैं जो एग्जीक्यूटिव अलग अलग, जो अहमदाबाद बड़ौदा महसाना के लिए वैकेंसीज हैं, तो यहाँ ऑफिशियली वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और ये ईमेल आईडी पर भी भेज सकते हैं और कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लें। तो दोस्तों यहाँ पे है कुछ वैकेंसीज। तो दोस्तों अगर आप इंजीनियरिंग है, आपके पास बैकग्राउंड और आपका सी एस सी और ई सी ई सी प्लस प्लस का एक्सपीरियंस है, तो दोस्तों यहाँ लिंक दी हुई है, आप लिंक पर विजिट कर लें। तो यहाँ पर दोस्तों आपके लिए उड़ीसा स्टेट मेडिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए मैं वैकेंसीज, असिस्टेंट मैनेजर अकाउंटेंट वगैरह के लिए वैकेंसीज हैं, बायोमेडिकल जूनियर इंजीनियर और इंजीनियर्स के लिए। यहाँ पर क्वालिफिकेशंस के लिए आप ऑफिशियली वेबसाइट पर जा सकते हैं, जैसे 15/11 से पहले जो पहले पहले इसे फिल करना है, तो आप इसे ऑफिशियली विजिट कर लें वेबसाइट पर। तो यहाँ पर दोस्तों रिसर्च एसोसिएट डिप्टी मैनेजर और फैकल्टीज़ के लिए वैकेंसीज हैं, तो दोस्तों ऐसी ऑफिशियली वेबसाइट दी आपके सामने। नेक्स्ट बात करें करियर अपॉर्चुनिटीज, आप 35 से 45 ईयर एज मांगा है। अगर आप प्रोडक्शन मैनेजर के लिए इंटरेस्टेड हो दियो मेल आई डी मेल कर लें, जो 19/10 से पहले पहले आपको सी वी सेंड करना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों ग्रेजुएशन MBA 10 से 12 ईयर एक्सपीरियंस और 12th पास है आपके पास ग्रेजुएशन। यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी है, जो 20, 21 और 22 अक्टूबर का वॉकिंग इंटरव्यू रखा गया है। जो लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं वो मेल आई डी मेल कर लें, कॉन्टैक्ट नंबर कॉन्टैक्ट कर लें। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर एक डायरेक्टर अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए वैकेंसीज है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ, मेल आई डी दी हुई है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो इजीली। तो यहाँ पर दोस्तों आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे ये दिया हुआ आपका मार्केटिंग बिजनेस ऑपरेशंस के लिए, तो आप यहाँ मेल आई डी मेल कर दो अपना सीवी। तो दोस्तों इस पर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ। और दोस्तों ये आ गया चीफ फाइनेंस ऑफिसर कॉन्ट्रैक्ट परचेज, तो चीफ फाइनेंस ऑफिसर परचेज इन्वायरमेंट और इंजीनियरिंग मेंटेनेंस लॉजिस्टिक
चीफ मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, मैनेजर, यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए मैकेनिकल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, बीएससी, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, वॉशरर, जो इन्वायरमेंट हैं भी, तो अच्छा खासा डिपार्टमेंटों में आपके लिए वैकेंसी ऑफर है। तो दोस्तों यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है, 12 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अच्छा खासा एक्सपीरियंस 18 से 20। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दोस्तों यहाँ अप्लाई भी कर सकते हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आप विजिट कर लें दोस्तों इसके लिए। तो दोस्तों यहाँ पर सेल्स, बिजनेस डेवलपमेंट, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मैनेजर, तो यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप अगर इंटरेस्ट हैं यहाँ पर अलग अलग, तो आप ट्विटर तो दिए मेल आईडी मेल कर दें। मैनेजर प्रोडक्ट यहाँ ऑफिसर अकाउंटेंट के लिए, जो आप अगर इंटरेस्ट तो दिए हुए तो आप दोस्तों यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। जहाँ 20 अक्टूबर का से पहले पहले आपको करना पड़ा प्रोसेस 20 अक्टूबर को। तो दोस्तों अकाउंटेंट के लिए यहाँ पर, यहाँ सूरत लोकेशन के लिए अलग अलग टीम है दोस्तों। थोड़ा टाइम का अभाव कम है तो थोड़ा मैं जल्दी कर देता हूँ। मैनेजर्स वगैरह फाइनेंस, तो दियो मेल आईडी मेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग बिजनेस आईटी सेक्टर के लिए वैकेंसीज हैं। तो यहाँ 21 अक्टूबर का होने वाला है, नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर भी वैकेंसीज हैं। कोलकाता लोकेशन है आपका यूटिलिटी वगैरह के लिए। अगर आपका इससे फील्ड रिलेटिव है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो जी एस एफ सी के लिए मैं अलग से एक नोटिफिकेशन बना चुका हूँ ऑलरेडी, 20-10 से पहले पहले अप्लाई करना है इसे। और दोस्तों इसमें भी मैं ऑलरेडी नोटिफिकेशन बना चुका हूँ, लेकिन मैं आपको याद दिला रहा हूँ कैसे आप भर लें। यहाँ पर डिप्लोमा केमिकल वालों के लिए बहुत सारी वैकेंसीज है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। तो नेक्स्ट जो है, दोस्तों यहाँ पर जो है TCS के वॉकिंग इंटरव्यू है, जो क्वालिफिकेशन में फार्मा जैसे कि एम फार्मा, BDS, BHMS, BAMS, MSc और 0 से 3 मंथ का एक्सपीरियंस मांगा रहा है दोस्तों। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। जो आपका डेट दिया हुआ है 17 तारीख को, कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर लेबोरेटरी के लिए भी वैकेंसीज है, जिसका 19 तारीख का वॉकिंग इंटरव्यू है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है और एड्रेस दिया हुआ है। और यहाँ पर MSc फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों फिर से वैकेंसी आएंगी तो हम फिर से हाजिर हो जाएंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो।